Now start the chapter of 10th class electricity. Electricity. 12th chapter electricity. Electricity. सबसे पहले होता है electricity में charge. Charge. Charge में होते हैं हमारे पास दो चीज, तीन चीजें होती हैं. एक तो होता है electron. Electrons. Proton. और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है. नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है. प्रोटॉन होता है जो होता है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं. और जो न्यूट्रॉन होता है वो होता है चार्ज लेस पार्टिकल. चार्ज लेस पार्टिकल से ही चार्ज लेस पार्टिकल से ही. व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? अगर हम चार्ज को देखें कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो चार्ज है क्या? अगर चार्ज की डेफिनेशन दें तो चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी? व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड चार्ज. चार्ज चार्ज को डिनोट किया जाता है डिनोटेड डिनोटेड बाय क्यू. क्यू से डिनोट किया जाता है चार्ज को. ऐसा यूनिट होती है चार्ज की, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम, कूलम ऐसा यूनिट होती है चार्ज की. कूलम जब ऐसे यूनिट होती है चार्ज की, वो होती है कूलम. कूलम एक साइंटिस्ट था जिसने चार्ज के बारे में हमें बताया था कि किसी चार्ज, चार्ज क्या है, प्रॉपर्टी बताई थी उसने मैटर की. तो चार्ज हमारे पास पॉजिटिव है, नेगेटिव है और चार्जलेस है. अब अगर मैं कहूं दो बातें हमारे पास कि अगर मैं कहूं तो दो बातें हैं हमारे पास, तो दो बातें क्या है? अगर मान लो सेम चार्ज होगा, सेम चार्ज, सेम चार्ज रिपल टू ईच अदर, रिपल टू ईच अदर. सेम चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, वापस धकेलते हैं, फेंकते हैं. जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव तो क्या करेंगे? रिपल करेंगे. इसलिए फोर्स इस साइड लगेगा, इसका फोर्स इस साइड लगेगा, इसका फोर्स इस साइड लगेगा. बट एक कंडीशन और है यहां पर, अगर डिफरेंट चार्ज हुए, डिफरेंट चार्ज जो है, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, अट्रैक्ट टू ईच अदर. डिफरेंट चार्ज हमेशा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को. जैसे मान लो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस साइड में फोर्स लगाएगा, ये इस साइड में फोर्स लगाएगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर. इनके बीच में दोनों में अट्रैक्शन फोर्स होगा और दोनों के बीच में रिपल्शन फोर्स होगा. तो हमारे पास दो चीजें, यानी कि हमारा टॉपिक हो गया चार्ज. अब हमारे पास आता है इसके बाद करंट. करंट, करंट का टॉपिक आएगा चार्ज से. इससे पहले मैं करंट से पहले एक चीज बता रहा हूं. करंट से पहले मेरे पास क्या चीजें हैं? करंट, करंट से पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर, इंसुलेटर और कंडक्टर. तो मैं पहले करंट जापानी से देखिए. करंट, तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट.